अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। फ़रस ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती, उसका प्यारा शौहर उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। वो उसे बहाने बहाने से कहती है उसे तलाक दे दो, क्योंकि आमिर को तो इस बात की भी खुशी नहीं होती कि वो बाप बनने वाला है और उसका ख़ानदान मुकम्मल होने वाला है। उल्टा फ़रत को कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो मर जाओ। फ़रत दुआ का हाल जानने के लिए उसे कहती है अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम मेरे बच्चे को सहारा देने के लिए आमिर से शादी कर लोगी। वो हैरत से बहन की तरफ देखती है और कहती है आपका तो दिमाग ख़राब हो गया है, वो मेरे भाई जैसा है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। तब फ़रत आमिर से कहती है तुमने मेरे ही घर में नकब लगाई और हमारे साथ मिलकर मुजरिम को ढूंढते रहे। फ़रत की माँ फ़रत से कहती है तुम आमिर से क्यों लड़ाई कर रही थी, वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। तब वो कहती है मेरी फैमिली ही तो नहीं बन रही, फिर मैं किसके लिए कोशिश करूँ, मेरा शोहर मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो तो किसी और के ख्वाब देखता है। उसकी छोटी बहन फारिया भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये मामला गुस्से से नहीं बल्कि अक्लमंदी से हैंडल करने वाला है। फ़रत टेंशन की वजह से बेहोश हो जाती है और उसकी माँ भी परेशान हो जाती है कि आखिर परेशानियाँ मेरे घर का रास्ता छोड़ ही नहीं रही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।